नमस्कार राइजिंग ओडिशार स्वतंत्र खबर को आपणक स्वागत। दर्शक बंधु बेंगालुरु विरोधी दल का द्वितीय बैठक अनुष्ठित हो या पूर्व 2024 निर्वाचन रे बर एवं बरजात्री विषय रे वितर्क हो। कांग्रेस रो महासचिव तारिक अनवार 2024 निर्वाचन पर राहुल गांधी को विरोधी दल बरजात्री बर बोली कहते आई वितर्क माध्यम कांग्रेस किपरि विरोधी दल रे वाजपेयी भली खेल करने को प्रस्तुत जहाँ को आज आम स्वतंत्र खबर प्रसंग कांग्रेस अटल। दर्शक बंधु आगामी वर्ष देशर लोकसभा निर्वाचन अनुषित होशे राजनीति चलचंचल हो पड़ी। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी उभय शासक और विरोधी निज निज स्तर में सजवाज आरंभ कले। बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए निज मिशन आरंभ कर दे अन्यपटे अण बीजेपी शक्ति को एकाठी करने को विरोधी अंटा भिड़ परिस्थित रे बीजेपी नेता माने जे विरोधी को बारात रे समस्ते जने जने बर हो विरोधी प्रथमे स्पष्ट करूँ कि प्रधानमंत्री चेहरा कि कितु गत जून 23 रे पटना रे बसी विरोधी दल प्रथम बैठक रे लालू यादव गणमाध्यम कही कि राहुल बर हूँ आ समस्ते बरजात्री होगापी प्रस्तुत आवे कांग्रेस महासचिव तारिक अनवार यार राजनैतिक अर्थ बखाणी अर्थात पटनारे लालू यादव जो बर एवं बरजात्री कथा कही तार राजनैतिक अर्थ जन अनवार आता स्पष्ट कर राहुल 2024 निर्वाचन में विरोधी दल का बरजात्री बर है राहुल को नेतृत्व में ही विरोधी निर्वाचन लड़े कहु प्रधानमंत्री पदपाई निज प्रार्थी घोषणा कर कांग्रेस 2024 निर्वाचन में राहुल को नहीं परिवर्तित रणनीति सह मैदान को ओल्लैक प्रस्तुत किंतु कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप कहते जे दलर रणनीति में कौन परिवर्तन होबनी कारण राहुल गांधी ही हाथ पार्टी एकमात्र चेहरा। तबे दर्शक बंधु विरोधी दल का बर एवं बरजात्री चर्चा भितर यह आलोचना हो कि कांग्रेस विपक्ष दल का मध्य पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भली गुटी चालना व प्लान चलेबा को प्रस्तुत हो कि वास्तव में 1998 साधारण निर्वाचन पर 1999 पर्यंत राजनैतिक अस्थिरता रही कौनसी भी दल को स्पष्ट जनादेश मिल ना एभली जनादेश परे मिलित सरकार गठन होता किंतु स्थिरतार अभाव एपरी थिला जे गोटे निर्वाचन पर देश को गोटे रु अधिक प्रधानमंत्री देखा एवं मध्यवर्ती कालीन निर्वाचन पर समय पाखे आसला 1996 निर्वाचन समय कांग्रेस सरकार थिला एवं नरसिंह राव प्रधानमंत्री थिले बीजेपी थिला विरोधी दल तबे निर्वाचन पूर्व बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करितला आउ बीजेपी मुरली मनोहर जोशी बदल रे राम मंदिर आंदोलन पर दलर चेहरा बढ़िता लालकृष्ण आडवाणी को नुआ अध्यक्ष करितला आउ लालकृष्ण आडवाणी दलर अध्यक्ष बनी जीवा परे जेतेबेले संबोधन पाई छिड़ा होइतिले सेतेबेले कहितिले अब की बारी सेतेबेले दलर कार्यकर्ता एवं नेता भी मानि जाइतिले कि आडवाणी ही दलर चेहरा हे अध्यक्ष हेले तो निर्वाचन रे जितिबा क्षेत्र से निश्चित भाव रे सरकार को नेता हे किंतु अब की बारी कहिबा बा कहितिबा आडवाणी को कथा हला अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी ए नारा रे प्रधानमंत्री पद पई अटल बिहारी वाजपेयी को चेहरा भाव घोषणा करथिले। तबे देश स्वाधीनता परे या प्रथम अवसर थिला जेबे विरोधी प्रधानमंत्री पद पई चेहरा घोषणा करी लड़ीथिले आ निर्वाचन पर 161 आसन जीति बीजेपी एक बड़ दल भाव उभा होता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते जदि ये सरकार 13 दिन ही चली बहुमत अभाव वाजपेयी को पीएम पदर इस्तफा देवा पड़ता किंतु ये सरकार पीएम चेहरा आग को कर प्रेसीडेटाल स्टाइल रे निर्वाचन मैदान को ओल्लैवाई नुआ चाल आरंभ कर जहाँ एनडीए गोटे ट्रेंड में पिणत हो। दर्शक बंधु स्वाधीनता पर प्रारंभिक अवधि में कांग्रेस द्वारा परिचालित होता जरूरकालीन परिस्थिति रे देश में प्रथम थर पर मोर्जी देसाई को नेतृत्व में प्रथम अण कांग्रेस सरकार गठन होता यापर जयप्रकाश नारायण को उद्यम जनता पार्टी गठन कर जनता पार्टी भी निर्वाचन जीति सरकार गठन करवाचन में भी प्रधानमंत्री पद पर कौन चेहरा स्पष्ट कर जनता दल अन्य दल के सहयोग में 1999 बीपी सिंह नेतृत्व में सरकार गठन कर आउ सेतेबेले भी पीएम चेहरा भावे काकु आगकु अणा जाय नथिला। 1996 निर्वाचन रे अटल को चेहरा घोषणा करी बीजेपी निर्वाचन लड़ीथिला
ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ କଲା ଏବଂ ପିଏମ୍ ଚେହେରାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହାପରେ 1998, 1999, 2004 ନିର୍ବାଚନରେ ଅଟଳ ହିଁ ଏନ୍ଡିଏର ପିଏମ୍ ଚେହେରା। 1998କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 1999 ଓ 2004 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଦଳ ଭାବେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଏବଂ 2004 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳଙ୍କ ସହ ମିଶି ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଗଠବନ୍ଧନ ବା ୟୁପିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ୟୁପିଏ ଏନ୍ଡିଏକୁ ହରାଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ବିରୋଧୀ ଅଟଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିଏମ୍ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ। 2009 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗଠବନ୍ଧନରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜନାଦେଶ ୟୁପିଏ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗଠବନ୍ଧନ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ବନାଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ଗୁଜରାଟର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଚେହେରା ବନାଇଥିଲା ଏବଂ 336 ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପିକୁ ଏକୁଟିଆ ମିଳିଥିଲା 282 ଆସନ। 2014 ଅପେକ୍ଷା 2019 ବିଜେପି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। 2019 ବିଜେପିକୁ ଏକାକୀ ମିଳିଥିଲା 303 ଆସନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ପିଏମ୍ ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବିରୋଧୀ ଏକତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏନ୍ସିପି ପ୍ରମୁଖ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ଏକାଠି ହେବା, ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବା ରଣନୀତି କ'ଣ? ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଭଳି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନମସ୍କାର।